रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। लेकिन हमीरपुर में महंगाई की मार चलते कई दुकानदार खाली बैठे हुए हैं और महंगी राखियां होने के कारण इस बार बहुत कम राखियां बिक रही हैं। राखी पर्व के लिए राखियों की कीमत बाजार में 50 रुपए से लेकर 400-500 रुपए तक पहुंच गई है। जो राखी पिछले साल 10-20 रुपए में मिलती थी उसकी कीमत 80-100 रुपए पार कर गई है। दुकानदारों का कहना है कि राखियों की सप्लाई पीछे से ही महंगी पहुंच रही है और इन्हें ग्राहकों को भी महंगा बेचना पड़ रहा है, जिस कारण राखियां बेचने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। महंगाई के इस दौर में आज एक बहन के लिए भाई के लिए राखी खरीदना मुश्किल हो गया है। फिर भी इस महंगाई के दौरान बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए राखी बांधने में उत्सुक हैं। एक अपने भाई के लिए एक अच्छी राखी खरीदने में 50-100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस बार तो ठीक ही है, वैसे महंगाई तो है ही है ना, सेल ठीक ही चली है, महंगी तो है, पीछे से महंगी आ रही है, हम भी महंगी बेच रहे हैं, अच्छी हो रही है।